अब देखो यहाँ पे सबका हो गया असाइनमेंट, घर जाके वापस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, 10 मिनट्स लगेगा खाली, अब सिर्फ 10 मिनट्स लगेगा। तो क्यों आया तुम? यूट्यूब पे हो जाता अपलोड। चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप किए थे, वर्टिकल लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसका क्या डिसएडवांटेज होता है, हमने क्या देखा था कि वी लुकअप में जो मेरा लुकअप वैल्यू है दैट शुड बी लेफ्ट मोस्ट ऑफ द टेबल, एंड हॉरिजॉन्टल एच लुकअप में क्या होता है जो मेरा लुकअप वैल्यू दैट शुड बी ऑन द टॉप मोस्ट। ये उसका डिसएडवांटेज है। उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कम यूज़ आएगा सिलेबस में, बट स्टिल ये पता होना चाहिए बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन एक्सेल है। यहाँ बैठ जाओ, एसी का डायरेक्ट हवा आ जाएगा। या तो वहाँ ऐसी जगह बैठो जहाँ एसी के डायरेक्ट। प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, बस तुम लोग बताओगे मुझे, ठीक है? वी लुकअप हम लोग क्या किए थे, सपोज मुझे मैथ का मार्क्स एक्सट्रैक्ट करना है, किसका? आयुष का, ठीक है? बताओ क्या होना चाहिए इसका फंक्शन, जल्दी जल्दी। लुकअप वैल्यू में क्या डालेंगे? आयुष। टेबल आरे में क्या डालेंगे? पूरा टेबल मेरा, ठीक है? इसको एब्सोल्यूट करते हैं, यहाँ पे नहीं करें बिकॉज ड्रैग नहीं करना हमें, पर एब्सोल्यूट करना पड़ेगा हमेशा। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से नंबर निकालना है बोलो? टू, सेकेंड। और एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट? एग्जैक्ट तो फॉल्स करते हैं हमेशा, ब्रैकेट क्लोज। 89 आ रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा था, उससे हम लोग क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते, डेटा वैलिडेशन से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे जैसे। इसमें तब क्या मतलब बनेगा? तुमको क्या करना होता है, तुमको दूसरे, तुम्हारे पास एक पेज में पूरा टेबल है, ठीक है? दूसरे पेज में तुमको किसी किसी लोगों का खाली वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है, तो तुम वापस थोड़ी टेबल में जाके नाम ढूंढेगा, लुकअप वैल्यू तो तुम्हारा इधर ही रहेगा। जस्ट बिकॉज हम लोग सेम पेज में कर रहे हैं, तुम लोग की प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूसरे पेज में करने हैं, तुम लोग घर जाके आज उसको प्रैक्टिस करना, सेकेंड वाला शीट। अभी होगा वो, सोचना। टेबल वहीं से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? तो ये वाला आया मैथ का मार्क्स वी लुकअप से। और उस दिन हम लोग एच लुकअप डिस्कस करे थे। एच लुकअप कब होता है? जब मेरा टेबल पूरा, देखो ट्रांसपोज हो गया, अभी यहाँ पे मेरा कॉलम हेडिंग्स आ गए और यहाँ पे मेरे सारे रो हेडिंग्स आ गए हैं। अब बेसिकली क्या करना है मुझे, वापस से मैथ्स का मार्क्स एक्सट्रैक्ट करना है, किसका? आयुष का। सेम चीज़ करना है, बस अब मेरा टेबल उल्टा हो गया है। तो अब हम लोग क्या करें, बेसिकली मैथ्स के मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करें, तो ये अब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली वी आर लुकिंग। उस समय वर्टिकली देख रहे थे नाम को, ये मेरा लुकअप वैल्यू था और ये मेरा वैल्यू जो एक्सट्रैक्ट करना था। अभी यहाँ क्या करना है मुझे, ये मेरा वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है एंड ये मेरे लुकअप वैल्यूज है। तो बेसिकली हम लोग रो वाइज देख रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लुकअप हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एच लुकअप बोलो, लुकअप वैल्यू क्या होगा, सोच के बोलो। मैथ होगा, आयुष होगा ना, मुझे आयुष का मैथ्स का मार्क्स एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? बेसिकली मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टली हम लोग देख रहे हैं, अब मुझे सेकंड वाले रो से पूरा वैल्यू चाहिए, सेकंड रो से वैल्यू चाहिए, किसका? आयुष का। तो ये मेरा लुकअप वैल्यू होना चाहिए ना, आयुष होगा ना लुकअप वैल्यू। उसके बाद टेबल आ रहे, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, फिर रो इंडेक्स नंबर, कौन से रो से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, टू करोगे तो मैथ्स आएगा, थ्री करोगे तो इंग्लिश आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है? फिर सिंपली फॉल्स, आंसर देख लो 89। यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन से और हम लोग का सेम आंसर्स आते रहेगा। क्लियर हुआ सबको ये कॉन्सेप्ट? पहले क्या था, टेबल पहले हम लोग का लुकअप वैल्यू कैसे था, एक कॉलम में था। अभी हमारा लुकअप वैल्यू क्या हो गया, एक पूरे रो में आ गया, इसीलिए यहाँ पे वी आर डूइंग एच लुकअप। CM1 में एच लुकअप एक बार भी कभी यूज़ नहीं होगा, वी लुकअप इंडेक्स मैच मैच यूज़ होगा, बट देन पता होना चाहिए,
ठीक है, बिकॉज एक्सेल अगर पता है तो ये सब भी पता होना चाहिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट एच लुकअप वी लुकअप का? अगर ये क्लियर है तो ये आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना सबको? थ्री करोगे तो इंग्लिश का आएगा, ठीक है। जैसे वी लुकअप में होते हैं वैसे ही एच लुक। हाँ, सीखना है, ठीक है। अच्छा, कल सीखेंगे फ्रीक्वेंसी फंक्शन सीख के फिर, बिकॉज दिस इज़ अ मैट्रिक्स फंक्शन, तो हम लोग कल सीखेंगे ये चीज़, ठीक है। कल नहीं है, सैटरडे, नेक्स्ट क्लास अभी है, ठीक है। मेरे को मुझे याद दिलाना, सीखेंगे, पक्का सीखेंगे, या फिर अभी सीख लो। चलो अभी सीख लो। बेसिकली क्या होता है, देखो कैसे ट्रांसपोज करते हैं टेबल को। सिलेबस में नहीं है ये चीज़ तुम लोग का, पर ठीक है, तुम पूछो तो। मुझे ये जो रोज है, जो मेरा कॉलम हेडिंग्स है, मुझे कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, पूरा इन्वर्स करने, बेसिकली ट्रांसपोज करने टेबल को। तो फंक्शन का नाम ही ट्रांसपोज है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दिस इज़ अ मेट्रिक्स फंक्शन। हम लोग नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी फंक्शन सीखेंगे जो तुम लोग की यूज़ आएगा। यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं आएगा, पर तुम लोग समझ के रखो दिस इज़ अ मेट्रिक्स फंक्शन। तो इसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा डिफरेंट होता है जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उससे। बेसिकली क्या करते हैं, जब मेरा टेबल उल्टा होगा तो कितने कॉलम्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बनेंगे, 7 कॉलम्स बनेंगे। और कितने रोज बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो 7 कॉलम्स एंड 5 रोज मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। ये हो गया मेरा 7 कॉलम्स, 2 3 4 5, 5 रोज। पहले देख लो आराम से, बिकॉज ये बिना देखे नहीं समझ आएगा, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। यहाँ देख लो सब लोग, फिर करना। पहले पूरा सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सीधा फॉर्मूला बार में जाते हैं एंड यहाँ पे टाइप करते हैं हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज टाइप किया, इसके बाद क्या करते हैं देखना, फिर खुद से करना। पूरा टेबल जो मुझे, ये यहाँ पे है, पूरा टेबल जो मुझे ट्रांसपोज करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। तो क्या होगा देखना, मेरे सारे वैल्यूज़ यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको जैसे एडिट करना है एडिट कर सकते हैं हम लोग, कर लो ट्राई करना है। तो पूरा पहले जितना भी कॉलम्स आउटपुट रेंज पहले सिलेक्ट होना चाहिए, फिर ट्रांसपोज फंक्शन, फिर जो टेबल है उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसको हम लोग मैट्रिक्स फंक्शन बोलते हैं। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करो, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट्स आ गए। अगर तुम लोग नोटिस करो फंक्शन में, ऐसा कहीं नहीं था, सेकंड ब्रैकेट का मतलब दिस इज़ अ मैट्रिक्स फंक्शन। एंड मैट्रिक्स फंक्शन मतलब एरे फंक्शन, मतलब इस पूरे फंक्शन में, ये जो पूरा ट्रांसपोज है, इसमें तुम लोग कोई भी एक वैल्यू अचानक से चेंज नहीं कर सकते हो, एरर आएगा, ठीक है। कर लो, देख लो। हाँ, क्या करेंगे? हाँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा उसके लिए, नहीं एरर आएगा। एक मैट्रिक्स के अंदर का कोई भी तुम चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आया सबका? ट्रांसपोज हुआ सबका? आगे बढ़े, कर लो ट्राई। जिन लोग इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स में होते हैं उन लोग पढ़ते हैं ये सब चीज़ सेकेंड ईयर में आई थिंक। और नेक्स्ट देखें, आ गया सबका पक्का? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग आएंगे इंडेक्स और मैच में। बेसिकली इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, इंडेक्स फंक्शन क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिटर्न्स अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ पर्टिकुलर रो एंड अ पर्टिकुलर कॉलम। बेसिकली क्या, ये अगर मेरा पूरा कॉलम है, ये मेरा अगर पूरा टेबल है, तो एक रो, एक कॉलम और एक रो का इंटरसेक्शन तो खाली एक ही सेल होता है ना, तो वो सेल का आउटपुट इंडेक्स फंक्शन से हम लोग निकाल सकते हैं।
एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन तो एक ही सेल होगा, तो वो सेल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। क्लियर हुआ? क्या कब यूज करते हैं? जब एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन वाले सेल को एक्सट्रैक्ट करना है तो वी यूज इंडेक्स फंक्शन। अब यहाँ देखना क्या होगा, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। सपोज एकदम नॉर्मल लेते हैं, फिर उसको अच्छे से समझेंगे। और सपोज मेरा ये टेबल एरे हो गया, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज टेबल एरे, तो वो मैंने टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? रो नंबर। रो नंबर मतलब उस टेबल का कौन सा रो मुझे सिलेक्ट करना है। तो अगर हम लोग वही मैथ का मार्क्स आयुष का मार्क्स एक्सट्रैक्ट करें तो कौन सा रो लेंगे? सेकेंड, सेकेंड रो लिया। मैथ्स के मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है? सेकेंड लेना है। 89 आया। बेसिकली क्या हुआ, ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम, इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गया। सिंपल एकदम, करो ट्राई खुद से। नहीं है तो रो नंबर डालोगे तो क्या आएगा? देखो एरर आएगा। ये हम लोग देखेंगे बेसिकली ये कब होता है, जब जो तुम्हारा एरे है वो सिर्फ एक रो कॉलम होता है। समझो यहाँ देखो, ये क्या पूछा कि जो कॉलम नंबर है दैट इज नॉट अ व्हाट, कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट। तो क्या होगा, इसके बदले अगर ब्लैंक देंगे तो भी कुछ आना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियसली एरर आ रहा है बिकॉज यहाँ पे एक्सेल को पता नहीं है। हमने रो नंबर तो बता दिया पर कॉलम नंबर तो बताया ही नहीं ना, तो उसे पता नहीं कि क्या इंटरसेक्शन है, क्या निकाले, तो यहाँ पे एरर आएगा। पर अगर हम लोग देखो यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन में सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर मेंशन करते हैं 2, तब तो आंसर आते ही। तो इसीलिए कॉलम नंबर एब्सोल्यूट कंपल्सरी नहीं है। कर लो, ये आया सबका 89 मैच हो रहा है। मैच फंक्शन देखे, इंडेक्स फंक्शन हार्डली कभी अकेले यूज होता है, इंडेक्स मैच साथ में ही मोस्टली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंडेक्स समझ में आया ना, समझ के रखो, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड अ कॉलम, उसका जो वैल्यू आएगा वो एक्सट्रैक्ट होता है। अब मैच फंक्शन में देखो क्या है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिटर्न्स अ रिलेटिव पोजिशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैचेज अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। बेसिकली क्या, इंडेक्स फंक्शन में क्या था, रो कॉलम का इंटरसेक्शन का वैल्यू आ रहा है, जो आउटपुट है वो आ रहा है। यहाँ पे मैच फंक्शन में क्या होगा, मैच फंक्शन बताएगा कि वो कौन सा रो इंडेक्स नंबर है या कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है जहाँ पे वो वैल्यू है। बेसिकली क्या, सपोज ये अनुष है, मुझे जानना है कि इस कॉलम में, इस पूरे कॉलम में अनुष का कौन सा रो है, वो रो इंडेक्स नंबर कौन सा है, वो हम मैच फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ समझना, देखना और फिर करना। तो क्या चीज़ है, पहले तो लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू सेम जो वी लुकअप में था, हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं, अनुष को ढूंढ रहे हैं, तो अनुष इज माई लुकअप वैल्यू। नेक्स्ट लुकअप एरे, लुकअप एरे मतलब एक यहाँ जो लुकअप एरे है या तो एक पर्टिकुलर कॉलम होगा या तो एक पर्टिकुलर रो होगा, टेबल एरे नहीं सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया, पूरा कॉलम सिलेक्ट किया कॉमा। अब वापस से मैच टाइप, कौन सा मैच चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन या एग्जैक्ट? ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो ज़ीरो चाहिए मुझे, हमेशा ज़ीरो डालेंगे, कभी भी 1-1 मत डालना। और ये कंपल्सरी नहीं है पर हम इसे हमेशा एज कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट मान के डालते हैं, अदरवाइज जो वैल्यूज़ है वो ज़रूरी नहीं हमेशा मैच हो, ठीक है। अब यहाँ आना क्या चाहिए, आउटपुट अनुष्का क्या है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ है ना, फोर्थ रो है वो इस कॉलम के में, तो आंसर 4 आया। बेसिकली मैच फंक्शन में क्या होता है, जब एक कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो रो इंडेक्स नंबर आएगा, जब एक हमने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया तो रो इंडेक्स नंबर आया ना, ये 4 क्या था, रो इंडेक्स नंबर है, फोर्थ रो ऑफ दिस कॉलम।
और जब हम लोग एक रो सिलेक्ट और जब हम लोग एक रो सिलेक्ट करेंगे हम लोग एक रो सिलेक्ट करेंगे तो मेरा क्या आउटपुट आएगा, कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है। ठीक है, करके देखो। ये करके देखो, पूरा कॉलम। हाँ, पूरा सिलेक्ट करोगे या फिर तुम जैसे भी अगर तुम यहाँ से सिलेक्ट करो, एक बार यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ से सिलेक्ट करो तुम लोग आयुष से मीता करो सिलेक्ट, तब आंसर क्या आता, क्या आता, 3 आता ना, क्योंकि 1 2 3 3 आता आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। अब एक और चीज़, एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। सपोज मुझे देखना है कि इस कॉलम में मैथ्स का या इंग्लिश का ये सब का कौन सा पोजीशन है, तो लुकअप वैल्यू में लिख लेते हैं मैथ। लुकअप वैल्यू में लिख लो मैथ, मैच फंक्शन मेरा ये हो गया लुकअप वैल्यू। हम लोग मैथ्स को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पे है उस पर्टिकुलर रो में, एग्जैक्ट मैच चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इस पूरे रो का सेकंड कॉलम है ना मैच, तो जब रो सिलेक्ट करते हो तो कॉलम इंडेक्स नंबर मिलता है। क्या मिला कॉलम इंडेक्स नंबर, 2 मिला। पर जनरली ये हम लोग यूज़ हम लोग ऐसे ही करते हैं कि उसके पर्टिकुलर साइड में वैल्यू चाहिए, पर लिख सकते हो। नहीं 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 समझ में आ रहा है, कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं तो रो इंडेक्स नंबर, और रो सिलेक्ट करो तो कॉलम इंडेक्स नंबर। डाउट हो रहे तो पूछ लो, कुछ भी डाउट हो रहे तो, बिकॉज इसके बाद इंडेक्स मैच मैच करेंगे। आया समझ में किसी को भी? तुम्हारा मैथ्स 4th कॉलम है क्या? तो तुम टेबल कहाँ से ले, देखो एक बार। और फिर 0 कर रहे हो कॉमा, एग्जैक्ट मैच कर रहे हो। कॉमा 0 होगा, एग्जैक्ट मैच नहीं होने से ये सब एरर आते हैं। हमेशा एग्जैक्ट मैच में 0 डालना है या फिर वी लुकअप में फॉल्स डालते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या करें, एग्जैक्ट मैच चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 0 नहीं डालोगे तो क्या है, 1 इज़ फॉर लेस दैन, -1 इज़ ग्रेटर दैन और 0। तो क्या होगा ना, जो भी एक्सेल को यहाँ पे जैसे अनुष है और आयुष है बहुत सिमिलर है, तो ये दोनों में कभी कभी इंटरचेंज हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालते हैं। ठीक है, तब मेरा एग्जैक्ट आंसर आता है। अब ये तो हमने कर लिया, मैच का क्या यूज़ है, बेसिकली रो इंडेक्स नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर हमें बताते हैं। इंडेक्स फंक्शन का क्या यूज़ है, इंटरसेक्शन का, जो जो कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन है उसका वैल्यू हमें बताते हैं। अब इंडेक्स मैच मैच क्यों वी लुकअप से बेटर है, इसीलिए सपोज मेरा क्या कंडीशन, मेरा क्या ऑपरेशन है, मुझे चाहिए मैथ्स के मार्क्स। इसको हम लोग ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे करते थे ड्रॉप डाउन, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, फिर लिस्ट, सोर्स में क्या सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डेटा वैलिडेशन इंग्लिश किया तो ये 3 हो गया, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान दो, तुम लोग ट्राई करोगे पहले 2 मिनट्स खुद से, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, इंग्लिश का मार्क्स है, या फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेना बेटर रहेगा। इंग्लिश का मार्क्स है, नेम इज अनुष, यूज इंडेक्स मैच मैच फंक्शन, मतलब इंडेक्स के अंदर 2 बार मैच फंक्शन यूज करना पड़ेगा टू एक्सट्रैक्ट द मार्क्स ऑफ अनुष, इंग्लिश का मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने, बेसिकली अनुष का। ट्राई करो। अब देखो वी लुकअप में ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, वी लुकअप में ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं था, बिकॉज हम लोग एक ही कॉलम से या फिर एक ही रो से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट।
अगर इंग्लिश का एक्सट्रैक्ट करें तो इंग्लिश का ही करेंगे, मैथ्स का करें तो कॉमा देखिए टू तो मैथ्स का ही एक्सट्रैक्ट होगा, पर यहाँ पे मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करना दोनों में, नेम में और सब्जेक्ट में, और फिर मुझे चाहिए कि इंग्लिश का मार्क्स अनुष्का, और फिर से चेंज जब करें तो अपने आप कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आता रहे। ट्राई करो खुद से 2 मिनट। इंडेक्स फंक्शन के अंदर 2 बार मैच फंक्शन यूज़ होगा। मैच फंक्शन का आउटपुट क्या होता है? रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, और ये दोनों जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट चाहिए होता है इंडेक्स फंक्शन में। इंडेक्स फंक्शन का क्या इनपुट होता है? रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर होता है ना, और ये इनपुट जो है कहाँ से मिलता है? मैच फंक्शन से। ट्राई करो 2 मिनट खुद से, किसी का हेल्प मत करना, अगल बगल में देखना मत, खुद से करना। सोर्स नेम से लेके देखो, मैंने बोला था ना एक पर्टिकुलर तुमने ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया, 5 रो से ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया होगा, इसीलिए अब नहीं कर सकते। एस्केप प्रेस करके, बिकॉज ये मेट्रिक्स फंक्शन होता है, इसके अंदर कुछ भी चेंज करने जाओ तो वो अटक जाते हैं, तो एस्केप प्रेस करना होता है। ठीक है, 2 मिनट ट्राई करो खुद से। हेल्प नहीं करना, एग्जाम में हेल्प करोगे क्या? कि एग्जाम में तुम लोग कैसे करोगे फिर? सोचो, ट्राई करो, टाइप करने का तो ट्राई करो, टाइप करेगा तब तुमको समझ में आएगा। स्टार्ट तो करो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो करो। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंडेक्स का क्या है? इंडेक्स मैच मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन होगा उसके अंदर मैच फंक्शन डालोगे, तो इंडेक्स का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो डालो, टेबल आ रहे तो पूरा सिलेक्ट करो। आ गया, ठीक है। मतलब कॉमा 0 किया है मैच में, क्या एरर आ रहे हैं? अब हो गया। हाँ, वो कहीं ब्रैक नहीं, ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम होने से नहीं होता है, वो कॉमा का एरर होने से होता है। चेक करो एक बार फंक्शन पूरा। हाँ, वो कॉमा का एरर ही, वो हुआ कुछ भी। स्टार्ट करो, इंडेक्स फंक्शन टाइप करो धीरे धीरे, रो टेबल आ रही सिलेक्ट करो। नेक्स्ट क्या आर्ग्यूमेंट है? रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर एज एन आउटपुट कहाँ से आ सकते हैं? मैच फंक्शन से। ट्राई करो, थोड़ा सोचने का ट्राई करो। रो आते हैं ना पहले, नीचे लिखा हुआ आ जाता है। तुम कॉलम सिलेक्ट किया ना, तो उसका आउटपुट तो रो इंडेक्स आएगा। क्या रट लिया है क्या? अच्छा बात है, पर पढ़ रहे, थ्योरी क्लास कर रहे तुम? तुम वीडियोस तो देख सकते हैं। ये नहीं, एक थ्योरी का, तुम लोग आया कुछ भी? कुछ आ गया, पूरा आ गया आंसर, गुड। चेंज करने से आ रहे इंग्लिश और मैथ्स? हाँ, मैच फंक्शन लिखने, चलो करते हैं। देखो 2 जन का तो आ गया, चलो देखो। यहाँ पे अब एकदम यहाँ पे ध्यान देना प्लीज, ऐसे मत करना कि मैं भी टाइप करूँ तुम लोग भी टाइप करो, ऐसे नहीं। पूरा देख लो फिर खुद से करो, ठीक है, वरना वो रटने वाला चीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? इंडेक्स फंक्शन है।
मुझे इंडेक्स फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है, मुझे ना ही कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए ना ही रो इंडेक्स नंबर चाहिए, मुझे सीधा आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए, इंग्लिश का मार्क्स चाहिए, किसका, अनुष्का, ठीक है। एरे क्या हो जाएगा मेरा पूरा, ये मेरा टेबल, इसको एब्सोल्यूट कर लेना, यहाँ पे ड्रैग नहीं कर रहे तो एब्सोल्यूट नहीं कर रहे अभी, पर तुम लोग कर सकते हो एब्सोल्यूट। नेक्स्ट देखो रो नंबर, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, कौन सा रो नंबर चाहिए, अनुष्का कौन सा है, ये वाला रो चाहिए, ये वाला रो, पूरे टेबल का ये वाला रो होना चाहिए कि नहीं, है ना, ये रो होना चाहिए, ये रो नंबर एज एन आउटपुट मैच फंक्शन से आते हैं। यहाँ पे हम लोग जो फोर एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये फोर फोर ही तो मुझे चाहिए ना इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, मैच फंक्शन पहला क्या है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, अनुष है, अनुष है मेरा लुकअप वैल्यू, अनुष कैसे और इंग्लिश कैसे नहीं है, कौन समझाएगा ये कि अनुष है इंग्लिश नहीं है, ट्राई करो, अभी मैंने बोला हमें रो नंबर ये चाहिए, रो नंबर तो वो तो अनुष से ही आएगा, है ना, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हुआ, अनुष सिलेक्ट किया मेरा रो लुकअप वैल्यू है। लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या होगा बोलो, ये वाला रो, श्योर श्योर ये रो होगा, अगर ये रो सिलेक्ट करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, वन ये होगा, क्यों ये होगा, मुझे क्या चाहिए, अरे आउटपुट में क्या चाहिए, फोर फोर चाहिए, फोर कैसे आएगा जब ये सिलेक्ट करोगे, इसमें से अनुष फोर है ना, बेसिकली क्या, जब मुझे रो नंबर एज एन आउटपुट चाहिए तो हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं ना, जब यहाँ पे फोर आया था तो हमने तो कॉलम ही सिलेक्ट किया था, तो जब रो नंबर आता है तो कॉलम सिलेक्ट करते, एक कॉलम में से तो एक कोई पर्टिकुलर रो आएगा, तो यहाँ पे ये वाला कॉलम सिलेक्ट किया तो मुझे रो नंबर मिल जाएगा फोर, क्लियर, इसे हम जीरो कर देंगे, एग्जैक्ट मैच चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर क्या होना चाहिए बताओ, इस पूरे में थ्री, थ्री शुड बी द कॉलम नंबर, है ना, तो ये थ्री मेरा कॉलम नंबर है। मैच फंक्शन लुकअप वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये इस पूरे में मैं लुकअप वैल्यू क्या हो गया, इंग्लिश, इंग्लिश लुकअप वैल्यू है। लुकअप एरे क्या होगा, अभी ये वाला पूरा रो, अगर रो सिलेक्ट कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है, एक पर्टिकुलर रो सिलेक्ट कर रहे हो तो ही तो कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है, क्या कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा, थ्री आएगा, अगर ये सिलेक्ट करते तो कुछ भी आउटपुट आता, वन आता, ठीक है, वन आता ना, क्योंकि इस वाले पूरे कॉलम में इंग्लिश कहाँ है, वन में है, पर मुझे वन नहीं चाहिए, मुझे थ्री चाहिए, तो इसीलिए हमने ये रो सेलेक्ट किया। बेसिकली जब रो इंडेक्स नंबर चाहिए तो कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए तो रो सिलेक्ट करते हैं, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक, कॉमा जीरो डबल ब्रैकेट क्लोज, हर एक, ये मेरा मैच फंक्शन का था, ये कलरफुल ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ब्रैकेट सारे क्लोज हो रहे हैं या नहीं। अब एंटर प्रेस करो, 78 आया अनुष्का इंग्लिश का मार्क्स। अब सिमिलरली यहाँ पे जब हम नेम्स चेंज करेंगे तो मेरा मार्क्स भी चेंज होगा, यहाँ पे इट डजेंट मैटर लुकअप वैल्यू लेफ्ट है राइट है कहाँ पे है, इट डजेंट मैटर, सिंपली आउटपुट मिलता है जहाँ पे मुझे दो कंडीशंस दिया हुआ है। ये चीज़ हम लोग वी लुकअप से नहीं कर सकते थे, वी लुकअप का सारा चीज़ वी कैन यूज़ डू यूजिंग इंडेक्स मैच, पर इंडेक्स मैच का सारा चीज़ वी लुकअप से नहीं कर सकते, क्लियर हो रहा है, अब खुद से ट्राई करो फिर वापस समझेंगे, खुद से ट्राई करो फिर समझेंगे वापस एक बार। और ये असाइनमेंट में है क्वेश्चन, तुम लोग करके आना असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास जब आओगे सेकेंड वाले शीट में, फर्स्ट वाले शीट में भी जो हम लोग रेप नेम्स निकाल रहे थे कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी इंडेक्स मैच मैच से हो सकता है, तो वो भी ट्राई करके आना, ठीक है। आया, चेंज हो रहा है वैल्यूज चेंज करने से, देख लो ना यहाँ पे मैच कर लूँ,
कोई भी कंफ्यूजन देख देख के मत करो, खुद से ट्राई। हाँ, ड्रैग करने से फिर वो चेंज हो जाएगा ना। खुद से ट्राई करो। इंडेक्स में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी द टेबल आरे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है मुझे रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर कैसे यूज कैसे लेंगे? मैच फंक्शन से। मैच फंक्शन में क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? कॉलम। कॉलम सिलेक्ट करोगे तो ही रो इंडेक्स नंबर आएगा। फिर इंडेक्स का नेक्स्ट फंक्शन क्या, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कॉलम नंबर। कॉलम नंबर कैसे आते हैं? जब एक रो सिलेक्ट करोगे। क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओ कि रो सिलेक्ट करने से कॉलम नंबर आएगा और कॉलम सिलेक्ट करने से रो नंबर आएगा, तो आराम से कर सकते हैं हम लोग। घर जाना आज, जब जाओगे शाम को वापस से ये चीज़ प्रैक्टिस करना। जो रैप नेम्स निकाले वो भी इंडेक्स मैच मैच से ट्राई करना है, और जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उसमें भी इंडेक्स मैच मैच है वो भी ट्राई करना है। ठीक है? अगर वो दोनों हो जाते हैं खुद से, मतलब क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है? कोई भी दिक्कत, फंक्शन समझने में अभी भी दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है मेरा? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरा टेबल एरे होता है पूरा। नेक्स्ट इज रो नंबर। नेक्स्ट इज रो नंबर। रो नंबर कैसे निकालेंगे? रो नंबर बेसिकली क्या, ये मेरा रोज है, तो अगर रिया का रो चाहिए तो ये रो नंबर कैसे आएगा? जब हम ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो मैच फंक्शन से आ जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट इज कॉलम नंबर। कॉलम नंबर मतलब ये सारे मेरे कॉलम्स हैं, मुझे इंग्लिश का चाहिए अभी, तो ये वाला कॉलम नंबर चाहिए, 3 चाहिए, तो कैसे करेंगे? ये वाला रो सेलेक्ट करने से आ जाएगा। क्लियर? अब एकदम क्लियर करूँ, खुद से करूँ? देखना वैल्यूज चेंज करने से आंसर भी चेंज होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रखा है ना, तो अगर ये वैल्यू चेंज होगा तो लुकअप वैल्यू चेंज होगा। लुकअप वैल्यू चेंज होगा तो रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होंगे, आउटपुट चेंज होगा। करो करो जल्दी करो, कोई भी दिक्कत है तो पूछो। क्या आ रहा है? तुम एक से ज़्यादा कॉलम है रो सेलेक्ट कर दिया होगा आउटपुट के लिए। एस्केप ट्रांसपोज वाले में तो, ओ इस वाले में दिखाओ। सी गलत किया तुम। तुम मैच फंक्शन में पहले क्या सिलेक्ट किया है? पहले मैच फंक्शन इंडेक्स फंक्शन में सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? रो नंबर। ठीक है, तुम क्या किया है? नहीं, तुम सिलेक्ट तो रो किया है, तुम सिलेक्ट तो कॉलम ही किया है, बट तुम्हारा लुकअप वैल्यू गलत है। तुम इंग्लिश वाला लुकअप वैल्यू ले लिया, लुकअप वैल्यूज गलत है तुम्हारे। ठीक है, जब तक एक्सेल में खुद का एरर क्रैक नहीं कर सकते हो तब तक एक्सेल नहीं सीखे हो, ऐसा चीज़ है। जब तक खुद का एरर देख सकते हो ना कि समझ में आ जाए, एक बार देख के मतलब कि समझ में आ रहा है, ये चीज़ तुम अगर खुद से समझता, अच्छे से पढ़ो फंक्शन को। ठीक है, खुद को समझ में आना चाहिए यहाँ क्या एरर हो रहा है, करो उसको सॉल्व। तुम लोग तीनों का नहीं आया? क्या एरर आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? हैश के बाद कुछ आता है ना एरर? तुमने कुछ लुकअप वैल्यूज गलत सिलेक्ट किए या लुकअप एरे सिलेक्ट किए गलत? देखो करो
कंट्रोल है फर्स्ट वाले में जाके। देखो ये तो सेकेंड असाइनमेंट सॉल्व कर रहे बैठ के, स्मार्ट है, घर पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। हो गया, अभी लुकअप वैल्यूज गलत सेलेक्टेड थे ना। नेक्स्ट करें, सबका हो गया तो हुआ तुम्हारा अभी। नेक्स्ट देखो, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, इंडेक्स मैच मैच सब कुछ कर लिया। नेक्स्ट देखो, ये सारे फंक्शंस हमने किए थे लास्ट क्लास। टू ओनली पे स्पेशल किया था, कैसे यूज़ करते पे स्पेशल वैल्यूज, या फिर सिर्फ फॉर्मेट्स, या फिर वो सारा जब कॉपी पेस्ट करना हो तो हम लोग पे स्पेशल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग जब सेल रीनेम करते हैं तो नेम मैनेजर से भी वी कैन चेंज द नेम, एडिट द नेम। नेम मैनेजर कौन से टैब में होते हैं? फॉर्मूलाज टैब में होते हैं, ठीक है। अब देखो वेरियस एरर्स जो हम लोग फेस कर सकते हैं, क्या क्या है यहाँ पे? कुछ एरर्स मैंने लिखे हैं, और भी एरर्स होते हैं। कुछ कुछ एरर्स तुम लोग को याद नहीं करने हैं, सब एग्ज़ाम के लिए बस पता होना चाहिए कि अगर ये एरर आ रहा है मेरा तो क्यों आ रहा है, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम में पूछता नहीं है सब चीज़। तो डिवाइडेड बाई ज़ीरो, बेसिकली कहीं पे कोई भी इक्वेशन में तुम लोग डिवाइड बाई ज़ीरो हो रहे हैं अगर, तो ये एरर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि मैंने क्या किया, सपोज 19 डिवाइडेड बाय एक ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लिया, तो ये एरर आएगा। ब्लैंक सेल या फिर ज़ीरो ऐसा कुछ, ऑब्वियसली इनफाइनाइट है तो ये एरर आएगा इधर, इसका कोई वैल्यू है नहीं। तो यू हैव डिवाइडेड योर नंबर बाय ज़ीरो। कहीं भी फंक्शन में अगर ये गलती हो जाए कि ब्लैंक सेल से डिवाइड हो जाए तो ये एरर आते हैं, समझ जाना। नेक्स्ट इज नम एरर, बेसिकली इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। ln-1 डालो, क्या लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स आते हैं? नहीं आते, ठीक है। तो ये सारा स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, रियल नंबर नहीं है, हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स में डील करते हैं, तो ये एरर आएगा, ठीक है। वैल्यू एरर कब होते हैं? व्हेन देयर इज अ मीनिंगलेस कैलकुलेशन। मतलब कि क्या हम लोग जनवरी को 2020 से, मतलब एक टेक्स्ट को एक नंबर से कोई एडिशन कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन में कुछ भी इनवैलिड कुछ डाल दिया, ऐसा डेट को ऐड कर रहे हो किसी से, तो ये सारा चीज़ जो है ये वैल्यू एरर आएगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एन ए क्या हो गया मेरा? नॉट एप्लीकेबल। बेसिकली ये कब होता है? वी लुकअप में। यहाँ पे देखो, हमने वी लुकअप जो किया अभी, यहाँ पे वी लुकअप में मैंने इससे क्या लिया था, लुकअप वैल्यू। ये मेरा लुकअप वैल्यू था ना, रिया। सपोज रिया की जगह हम ए हटा दें इसका, तो देखो सब जगह एन ए आ गया, क्योंकि अभी वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगा आर आई वी वाई कहाँ पे है, तो तब ये वाला एरर आता है, ठीक है। तब ये वाला एरर आता है, यहाँ पे इन्होंने फेब्रुअरी का स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है, एक आर मिसिंग है। तो ये एक एग्जाम्पल कि जब मेरा नेम है, ये इफ फंक्शन में भी आ सकते हैं, क्योंकि इफ फंक्शन में भी अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे थे इक्वल टू पेंसिल होना चाहिए, पेंसिल में एल मिस कर दिया तुम लोग ने, तो वैल्यू एरर आएगा, ठीक है, एन ए एरर आएगा। उसके बाद देखो ये रेफरेंस एरर आते हैं जब इनवैलिड सेल रेफरेंस होते हैं। ऐसा कोई सेल रेफरेंस दिया है जो इनवैलिड है, चाहे वो दूसरी शीट का हो, दूसरी शीट का ऑब्वियसली कर सकते हैं, पर वो ऐसा सेल जो इनवैलिड हो, जिसका ये चीज़ आते जब मैट्रिक्स फंक्शन भी यूज़ करते हैं उसमें भी ये चीज़ आते हैं। कहीं भी तुम लोग ने कुछ इनवैलिड सेल रेफरेंस दे दियो तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नल एरर, व्हेन यू स्पेसिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेंजेस दैट डजेंट इंटरसेक्ट। ये कब आ सकते हैं? इंडेक्स इंडेक्स फंक्शन में। दो रो का दे दिया, दो रो तो इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, दो रो तो इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, तब नल एरर आते हैं, ठीक है। नेम एरर कब आते हैं? जब एक्सेल डजेंट रिकग्नाइज टेक्स्ट इन अ फॉर्मूला। मतलब टेक्स्ट को हम कैसे लिखते हैं? कोटेशंस में लिखते हैं। कोटेशंस में नहीं लिखा
तो ये नेम एरर रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि आइटम इक्वल टू पेंसिल, पेंसिल को कोटेशन में नहीं लिखोगे तो एक्सेल समझ नहीं पाएगा कि ये पेंसिल क्या है, क्या का मतलब क्या चीज़ है ये, तो वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, तो ये नेम एरर रहेगा। जैसे ही तुम लोग कोटेशंस डालते हो वैसे ही वो समझ जाएगा कि क्या है, ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये देखो ये वाला एरर, थोड़ा हंसी आएगा तुम लोग को, ये कब होता है ना, वेन योर सेल साइज इज स्मॉल टू अकोमोडेट द नंबर। बेसिकली ये क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैंने कोई बहुत बड़ा नंबर डाला, ठीक है, अच्छा यहाँ नहीं आ रहा लिखा हुआ, वेट, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी पूरा बेसिकली एरर, रुक जाओ मुझे बताने दो कैसे है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखना एक बार, बहुत जन कंफ्यूज होते हैं इस एरर से, क्लास के एंड तक होते रहेंगे उन लोग कंफ्यूज। यहाँ देखो सेल साइज छोटा कर दिया ना तो ये हैश एरर आएगा, तो ऐसे बोलेंगे हैश एरर आया, पता नहीं क्या गलत कर दिया हमने, फिर मैं जाके सिंपली ऐसे करूँगी डबल क्लिक इधर, तो उन लोग बोलेंगे अरे ये क्या हो गया। तो बेसिकली इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं अपने कर्सर को, ये वाला साइन दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करो तो अपने आप सेल साइज एडजस्ट हो जाएगा, कॉलम साइज या रो साइज। ठीक है, ये चीज एंड तक होता है, मतलब कोई कोई बच्चे छूट जाते हैं जो सुन नहीं पाते वाला इधर, तो वो फिर उनको कन्फ्यूजन होता है। क्लियर हुआ सबको ये चीज़, एरर्स डिफरेंट टाइप्स, ऑब्वियसली याद नहीं करना है, ऐसे सोचना मत, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप याद हो जाएगा, और याद भी हो जाएगा ना तो भी कभी कभी एरर खुद का रिकग्नाइज नहीं कर पाते, अगर बगल वाले को बताओ वो कर देगा रिकग्नाइज, खुद अपना नहीं देख पाते हम लोग एरर, ऐसा होता है हमेशा। दीज आर द बेसिक एरर्स। नेक्स्ट हम लोग आज के लिए बस तीन चीज़ सीखेंगे, ये फर्स्ट तीन PMT कर चुके हैं, क्विक एक्सेस टूल बार को फॉर्मेट करना सीख चुके हैं, कैसे करते हैं कुशल क्विक एक्सेस टूल बार को, अरे कुशल है क्या तुम लोग सब, हाँ बोलो, फाइल में जाके ऑप्शन एक्सेल ऑप्शंस या फिर ऑप्शंस कस्टमाइज रिबन क्विक एक्सेस टूल बार करना है, रिबन ये होता है होम इंसर्ट पेज लेआउट, क्विक एक्सेस टूल बार एंड यहाँ पे यू कैन ऐड, ये बोल रहा था ना तुम, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, एक दो जन का ये हो रहा है वीडियो में एरर, उनका क्या हो रहा है, ये ड्रैग हैंडल नहीं आ रहा, ड्रैग फिल हैंडल बोलते हैं इसे, ये फिल हैंडल उनका नहीं आ रहा, ये फिल हैंडल बोलते हैं हम इसे, ठीक है, ये फिल हैंडल उनका नहीं आ रहा तो उन लोग ड्रैग नहीं कर पा रहे, तो वो भी चीज़ अगर नहीं आ रहा हो कभी, फाइल ऑप्शंस क्या, वो तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी फिर पेस्ट करो, नहीं, फॉर्मूला जब ड्रैग करना है तब वो कैसे करेंगे, फॉर्मूला ड्रैग करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में यहाँ पे एडवांस, तुम लोग या तो एक्सेल ऑप्शंस होगा या फिर ऑप्शंस होगा तुम लोग के लैपटॉप पे, एडवांस्ड फीचर्स, फिर यहाँ पे देखना एनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, ये टिक करना पड़ेगा, तभी हम लोग का ये टिक्ड है इसीलिए वो ड्रैग फिल हैंडल आ रहा है, नहीं होता तो फिल हैंडल नहीं आता। ठीक है, प्लीज़ एग्जाम में इसको ऐसा कुछ छेड़खानी मत करना तुम लोग, उल्टा फुल्टा फिर बोलोगे पता नहीं क्या हो रहा है, समझ समझ के करना कुछ भी कर रहे हो तो। यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स है, प्लीज़ देख के करना कि क्या करना है। क्लियर हुआ, फिल हैंडल कैसे लाते हैं, एक्सेल फाइल ऑप्शंस एंड उसमें एडवांस में जाके, क्लियर। नेक्स्ट देखो डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में क्या किए अभी तक हम लोग, लिस्ट क्रिएट करना, वो लिस्ट क्रिएट करना हार्डली कहीं यूज़ होगा, डेटा वैलिडेशन बेसिकली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसी में समझते हैं, रुको, ये मेरा मार्क्स दिया हुआ है सबका, ठीक है, एक टीचर है वो टाइप करी सारा मार्क्स, भूल से एक जन को 110 दे दी, 110 इज़ नॉट पॉसिबल, 100 मार्क्स का तो एग्ज़ाम ही था उसका, है ना, तो वो बच्चा बड़ा खुश हो गया एग्ज़ाम के रिजल्ट पे, पर अभी वो चीज़ तो गलत है ना, कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा ऑब्वियसली, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेटा वैलिडेशन, मतलब कि जैसे ही कुछ गलत हो वैसे ही एक एरर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे समझना देखना फिर खुद से करना,
इस वाले पूरे रो में, इस वाले पूरे कॉलम में मार्क्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100 एंड इट कैन नॉट बी लेस देन 0, राइट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, ये आया, ठीक है, या फिर अगर तुम लोग डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखना वैलिडेशन क्राइटेरिया, अलाउ एनी वैल्यू करोगे तो एनी वैल्यू हो जाएगा, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा, पर एनी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, इट शुड बी सपोज अ होल नंबर डेसिमल और कस्टम करना है इसे, होल नंबर लें क्या, होल नंबर नहीं लेते हैं, डेसिमल लेते हैं, डेसिमल बेटर होते हैं, पॉइंट्स में भी मिलते हैं, डेसिमल ले सकते हो, होल नंबर ले सकते हो, फिर यहाँ पे देखना डेटा में बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे क्या चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 0 एंड 100, तो हम लोग बिटवीन सेलेक्ट करेंगे, बिटवीन मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 100, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक इनपुट मैसेज होता है, एक एरर अलर्ट है, बेसिकली क्या, जब कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे, अगर यहाँ पे मैंने अपना डेटा वैलिडेशन डाल दिया है और कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे, तो एक इनपुट मैसेज अपने आप आ जाएगा, कुछ भी जो इनपुट मैसेज डालना है तुम्हें, ताकि जो इनपुट कर रहे वैल्यूज उसे दिख जाए और उसे समझ में आ जाए कि ऐसा मुझे इनपुट डालना है। तो अगर कोई मैंने पूरा चीज़ बनाया है, कोई दूसरी टीचर आके डाल रहे हैं, तो उसे हमें बताना है कि यहाँ पे मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 टू 100, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, टाइटल देना है मुझे मार्क्स, कुछ भी दे सकते हैं अभी के लिए, शुड बी बिटवीन 0 टू 100 डाला हमने, अच्छा ये मेरा एरर था ना, हाँ तो एरर में भी यही डालते हैं, अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इनपुट मैसेज सेम ही डाल रही हूँ मैं अभी, 0 टू 100, बेसिकली क्या होगा देखना है यहाँ पे, जो ये इनपुट मैसेज है, जब यहाँ हम लोग अपने कर्सर को लेके जाएंगे, तो ये इनपुट मैसेज अपने आप पॉप आउट होगा कि इट शुड बी बिटवीन 0 टू 100, मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 टू 100, ये आया। अगर भूल से मैंने कोई और नंबर डाल दिया, 110 डाल दिया, -10 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो एक एरर आ जाएगा, वो एरर में क्या लिखा होना चाहिए वो यहाँ पे, जैसे हम लोग कुछ टाइप करते हैं फंक्शन में, तो एक एरर आते हैं ना, पॉप आउट होते हैं बाय डिफॉल्ट, एक्सेल पॉप, वो बाय डिफॉल्ट एरर्स होते हैं, ये एरर्स मैं डाल रही हूँ, मैं वैलिडेट कर रही हूँ, ठीक है, तो इससे हमने ओके किया। अब यहाँ देखो जैसे ही कर्सर को लेके गए, वैसे ही क्या आ रहा है, जो मेरा इनपुट मैसेज था, जो मेरा इनपुट मैसेज था मार्क्स 0 टू 100, जो मैंने मैसेज डाला, ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई करते हैं 110 डालने का, देखना क्या आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है दैट इट शुड बी बिटवीन 0 टू 100, इसे हम फिर रिट्राई कैंसिल करेंगे तो बैक टू द सेम वैल्यू, करो ट्राई। हाँ ये सिर्फ इसी के स्कूल में होगा, कुशल इंटरनेशनल स्कूल, तब इन लोग को पता रहेगा, अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे तुम्हारे स्कूल में, ध्यान किधर है, एग्जाम में ये सब मत करके आना, ठीक है, एक तरीका हुआ डेटा वैलिडेशन का, और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं डेटा वैलिडेशन के, सपोज मेरा ये टेक्स्ट है यहाँ पे, यहाँ पे ये टेक्स्ट शुड नॉट बी मोर देन 1 लेटर, सिर्फ या तो एम सिर्फ या तो एफ, ठीक है, तो इसको भी हम वैलिडेट कर सकते हैं, इसको भी हम वैलिडेट कर सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ दिख रहा है, टेक्स्ट लेंथ क्या हो सकता है, टेक्स्ट लेंथ में मुझे चाहिए इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे अभी आई एम नॉट पुटिंग इनपुट मैसेज या एरर अलर्ट, बाय डिफॉल्ट आएगा ये सब चीज़, फिर इनपुट मैसेज नहीं डालोगे तो कुछ नहीं आएगा, एरर अलर्ट अगर नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट जो एरर होता है वो बस आएगा, तो यहाँ पे देखना ट्राई करते हैं मेल पूरा डालने का, एंटर करते हैं, तो देखो वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, वाई, बिकॉज
मैंने क्या वैलिडेट किया, सिर्फ सिंगल यहाँ पे साइज, लेंथ साइज शुड ओनली बी वन। तो इसे हम रिट्राई करते हैं, एम कर देते हैं वापस। ये एक तरीका हो गया। ऐसे यहाँ पे ध्यान दो, दो वे सीखा मैंने, बिटवीन 0 to 100, टेक्स्ट लेंथ सीखा, और भी बहुत वेज है जिससे हम अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। कस्टम में जाके चेंज कर सकते हो, फॉर्मूलाज डाल सकते हो, बहुत सारे वेज है। CM1 के कोर्स में या CM2 के कोर्स में ये चीज़ कहीं यूज़ नहीं होता है, डेटा वैलिडेशन। मे बी एक बार कहीं यूज़ हो, पर ये चीज़ यूज़ नहीं होता, जस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन एक्सेल, यू ऑल शुड नो। ठीक है, बेसिक क्लास में काफ़ी कुछ ऐसा, बेसिकली अभी तक हमने जितना सीखा है ना, वो हम सीख के कंटिन्यू कर सकते हैं अपना आगे CM1। बट हम लोग और भी 3-4 क्लास में सीखेंगे ताकि हमें अच्छे से एक्सेल पे ग्रिप हो जाए। ये सारा हो गया। वैलिडेशन रूल्स हटाना है मुझे, तो कैसे हटाएंगे? सिंपली यहाँ पे है क्लियर क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। ये होगा जब मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया होगा, तभी हम क्लियर कर सकते हैं। तभी मेरा वैलिडेशन रूल्स हट गए। ठीक है, देखो हाँ नहीं हटा, रुको। एक एक करके करना पड़ेगा। ये था ना मेरा, अब इसको हटाना है, क्लियर क्लियर ऑल करके। ठीक है, सबने सीखा क्या होता है डेटा वैलिडेशन। एकदम नॉर्मल, अगर मुझे अपना डेटा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, ऐसे चाहिए कि नहीं, टेक्स्ट साइज एक 1 लेटर का होना चाहिए, 2 लेटर्स का होना चाहिए, मार्क्स ऐसा होना चाहिए, या फिर कोई और भी वेज है, कस्टम फॉर्मेट में देखा, फॉर्मूलाज कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चाहिए, तो हम लोग फिर डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसका भी मैंने डाला हुआ है एक क्वेश्चन असाइनमेंट में, तो वो भी तुम लोग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब मेरे पास बहुत सारे डेटा है एंड उस डेटा को मुझे समझना है अगर, तो हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग यूज़ करते हैं। सॉर्टिंग क्या हो गया? अपने डेटा को सॉर्ट करना पर्टिकुलर वे में, मैक्सिमम हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ए टू जेड, जेड टू ए, कैसे हमें अपना डेटा सॉर्टेड चाहिए, वो हाई इनकम लो इनकम उस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो हम सॉर्टिंग से करते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग क्या हो गया? फिल्टरिंग मतलब फिल्टर करना कोई चीज़ को। अगर मुझे सिर्फ, सपोज ये वाला जो मेरा डेटा था, डेमोग्राफिक डेटा जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, इस डेटा में सपोज मुझे सिर्फ हाई इनकम ग्रुप का ही आउटपुट चाहिए, तो वी कैन फिल्टर आउट द रेस्ट ऑफ द डेटा। ये समझते हैं कैसे। सबसे पहले सॉर्टिंग समझते हैं। सॉर्टिंग देखो होम टैब में होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर, तो यहाँ पे कस्टम में क्या क्या है, ए टू जेड फॉर्मेट करना है, जेड टू ए करना है, हम लोग कस्टम सॉर्ट एक बार सिलेक्ट करते हैं। कस्टम सॉर्ट सिलेक्ट किया, टेबल ऑटोमेटिकली गॉट सिलेक्टेड। यहाँ देखो, पहले देख लो फिर करना, बहुत सारे ऑप्शंस है घर पे, और भी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग खुद से। सॉर्ट बाय में कॉलम हेडिंग्स आ गए, सारे वेरिएबल्स आ गए, किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करने, मुझे कंट्री नेम के अकॉर्डिंग, बर्थ रेट के अकॉर्डिंग, किसके। सपोज यहाँ पे मुझे करना है कंट्री नेम के अकॉर्डिंग, कंट्री नेम शुड बी ए टू जेड, कंट्री नेम वाला कॉलम सिलेक्ट किया। ठीक है, वैल्यूज़ को मुझे करना है सॉर्ट, वैल्यूज़ एज इन जो इनपुट जो आउटपुट है इसमें, और भी क्या क्या है देखो, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन, ये सब नहीं, मुझे अकॉर्डिंग टू द आउटपुट या फिर अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ अपने डेटा को सॉर्ट करना है, तो वैल्यूज़ बाय डिफॉल्ट। अब मुझे ए टू जेड करना है, जेड टू ए करना है, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे ए टू जेड करना है। ओके किया तो मेरा डेटा पूरा सॉर्ट हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली इट गॉट चेंज्ड, लास्ट वाला जेड होगा। ठीक है, ये एक हो गया तरीका। और क्या तरीका है? देखो दो तीन और वे सीखते हैं, इसमें ऐड करते हैं हम लोग लेवल्स, इसी में और ऐड करते हैं।
सपोज बर्थ रेट चाहिए मुझे हाईएस्ट टू लोएस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो पहले क्या होगा? पहले ये सॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू द कंट्री वाइज ए टू जेड, और फिर ये सॉर्ट होगा कैसे? बर्थ रेट वाइज, ठीक है? बर्थ रेट सिलेक्ट किया था कि इंटरनेट यूजर्स, हाँ, तो फिर ये सिलेक्ट होगा बर्थ रेट। पर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर हम लोग दोनों वे से जाएं तो एक पहले आ सकते हैं एक बाद में आ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा इन लोग देखेंगे, ये थोड़ा अभी हम लोग को ये समझने का ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली क्या होगा इन लोग देखेंगे कि कौन सा परफेक्टली फिट बैठ रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा। इस डेटा पे ये चीज़ वैलिड नहीं है, बहुत सारे डेटा क्या होते हैं, सपोज यहाँ पे ये चीज़ कर सकते थे, हाई इनकम सारा पहले डाला, फिर उस हाई इनकम बहुत सारा हाई इनकम का कॉलम्स आ जाएगा, उस हाई इनकम में मुझे बर्थ रेट को ऑर्डर करना है, समझ रहे हो? तो क्या होगा, पहले सारा हाई इनकम का आ जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगा वो क्या होगा, बर्थ रेट का स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, समझ रहे हो कैसे होगा ये चीज़? तो उस समय ये वैलिड है, उसके लिए ये चीज़ कर सकते हैं, क्लियर? एक लास्ट और समझ लेते हैं सॉर्टिंग में और क्या करते हैं हम लोग। सपोज हमें सॉर्ट करना है, वही ये इनकम ग्रुप को सॉर्ट करना है, पहले होगा लो इनकम, फिर मुझे चाहिए लोअर मिडिल, अपर मिडिल, और फिर हाई इनकम चाहिए, इस ऑर्डर में मुझे जाना है। तो इस ऑर्डर में जाने के लिए इन दोनों को हटा देते हैं, अभी सिंपली डिलीट करना होता है। किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है? इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग। वैल्यूज क्या ए टू जेड सॉर्ट करना है? अगर ए टू जेड करेंगे तो क्या आउटपुट सही आएगा? नहीं, पहले क्या आ जाएगा ए टू जेड करने से? एल आ जाएगा, ठीक है? फिर बात एच आएगा, पहले हाई इनकम आएगा, फिर लो आएगा, फिर लोअर आएगा, फिर अपर आएगा, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे, कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे भी कुछ मुझे दिख नहीं रहा, मेरा ये ऑलरेडी इनपुट किया हुआ है, तुम लोग के में भी ये चीज़ नहीं आए, ठीक है? ये चीज़ तुम लोग के में नहीं आएगा, मेरे में ऑलरेडी इनपुट किया हुआ है, बिकॉज मैंने पहले भी किया हुआ है, तो इसीलिए इनपुट आया हुआ है। यहाँ पे तुम लोग को टाइप करना पड़ेगा हाई इनकम कॉमा, या फिर एंटर करके हाई इनकम, अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, लो इनकम, ये पूरा यहाँ पे टाइप करोगे तो उसी वे में आएगा। ओके किया? तो मेरा देखो वैल्यूज अरेंज हो गया, पहले हाई इनकम, फिर अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड लो इनकम, ठीक है? तो डिफरेंट वेज है सॉर्टिंग का, और भी बहुत सारे वेज है जो तुम लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा जब तुम लोग कस्टम लिस्ट में जाओगे, ठीक है? बेसिकली यही है पूरा चीज़, जितना और डेटा के अकॉर्डिंग जितना मैनिपुलेट करना है, जैसा आउटपुट चाहिए वैसे हम सॉर्ट करते हैं अपने डेटा को। क्लियर हुआ ये चीज़? क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिल्टरिंग। फिल्टरिंग में क्या सीखा? फिल्टरिंग में हम देखते हैं अपने डेटा को फिल्टर आउट कर देते हैं। तो बेसिकली फिल्टर्स ऐड करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर होम टैब में। अब इसके बाद मुझे सपोज इनकम ग्रुप में सारे सिलेक्टेड है, मुझे सिर्फ चाहिए हाई इनकम, तो सिर्फ हाई इनकम आएगा, देखना बाकी सारे सेल्स हट जाएंगे। अब मुझे सॉर्ट करना है, सपोज ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्री नेम्स हैं, तो पर्टिकुलर कोई कंट्रीज का चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन फिल्टर, ठीक है? पर्टिकुलर कंट्री कोड पर्टिकुलर, तो वैसे हम लोग जा सकते हैं, दैट इज़ मेंट फॉर फिल्टरिंग। बेसिकली यू फिल्टर आउट द डेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा डेटा डिलीट हो रहा है, डेटा है मेरे पास, जस्ट दैट फिल्टर आउट हो जा रहे हैं, ठीक है? वापस इसे हटाने के लिए सिंपली हम सिलेक्ट ऑल करके ओके, ठीक है? एंड फिल्टर हम हटा सकते हैं, फिर करो ट्राई, ये सब सब कुछ खुद से करो। सॉर्टिंग में ट्राई करना ए टू जेड, जेड टू ए, लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाई स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, ये इनकम ग्रुप ट्राई कर लेना। पहले पहले सारे इनकम को ट्राई करो हाई टू लो करना, फिर ट्राई करो इंटरनेट यूजर्स को हाईएस्ट टू लोएस्ट करना। प्रैक्टिस शीट में है, खोलो प्रैक्टिस शीट में, सेकंड वाले शीट, थर्ड या सेकेंड वाले शीट में ट्राई करो, खोलो हाई टू लो करो सॉर्ट।
उसके बाद उसी में बर्थ रेट या फिर इंटरनेट यूजर्स को ले लो हाई टू लो, करो फिल्टर करके देखो इंटरनेट यूजर्स। करो होम टैब में होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टैब, यहाँ पे ध्यान दो एक बार सब लोग प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, देखो डेटा टैब में भी होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी फिल्टरिंग ऐड कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। करो सॉर्टिंग के लिए नहीं, जरूरी नहीं है, हाँ जैसे मन तुम्हारा करो, फिर अपर मिडिल लोअर मिडिल फिर लो, जरूरी नहीं है सॉर्टिंग के लिए तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरे टेबल में एक पर्टिकुलर सेल पे जाके करोगे तो वो अपने आप बाय वो वाला चीज आ जाएगा। नहीं बाहर रख के कर नहीं सकते, कुछ कंट्री कोड में बहुत सारा चीज हो जाएगा, क्या करोगे कस्टम लिस्ट में, ए टू जेड जैसे करने हैं, एग्जाम्पल ले लो एक, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फिर तुम लोग शीट टू प्रैक्टिस करके आओगे नेक्स्ट क्लास, याद से करके आना, लो अब ये चीज तुम लोग घर पे करना, नेक्स्ट सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आज का लास्ट टॉपिक, यहाँ पे देख लो फिर कर, तुम लोग ये करते रहना, ठीक है, अब समझ में आ गया ना सॉर्टिंग फिल्टरिंग, हाँ कर दो, हाँ नहीं, तो यहाँ देखो अभी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखते हैं, बेसिकली जब बहुत हम लोग के पास डेटा होते हैं तो हम लोग उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो मेरा सामने जिसे मुझे प्रेजेंट करना अपना डेटा, हम उसे अच्छे से इंटरप्रेट करवा पाएँ, इसीलिए हम कंडीशनल, कैसे क्या क्या तरीका होते हैं ग्राफ्स यूज़ करने का इंटरप्रिटेशन के लिए, पिवट टेबल जो हम लोग सीखेंगे, ये सब तरीका है हमें प्रेजेंट करने का डेटा इन अ बेटर फॉर्म, सिर्फ सिंपली ये टेबल देके तो समझ में आएगा नहीं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो अच्छे से हमें समझाना है कि मेरा डेटा क्या है कैसे है, उसके लिए वी यूज़ डिफरेंट वेज, फॉर एक वे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब में देखना कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, बहुत सारे रूल्स है इसमें, रूल्स एज इन बहुत सारा तरीका है फॉर्मेटिंग का, बेसिक बेसिक समझते हैं क्या क्या होता है, फिर हम लोग खुद से भी इसको कर सकते हो तुम लोग प्रैक्टिस देख देख के, ठीक है, कि क्या खुद से तुम लोग देख सकते हो कि कितना सारा डिफरेंट न्यू रूल्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अब सपोज मुझे यहाँ पे सॉर्ट, यहाँ पे सॉरी फॉर्मेट करना है उसी डेटा को जो हाईएस्ट टॉप 10 इंटरनेट यूजर्स कंट्री को मुझे हाईलाइट करना है, तो क्या करेंगे सिंपली, तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम, सिलेक्ट द इंटायर रेंज, सिलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे न्यू रूल में जा सकते हो डायरेक्टली, इसमें से डायरेक्ट जो
ऑलरेडी एडेड रूल्स है, कस्टम रूल्स जो ऑलरेडी मेरे बाय डिफॉल्ट रूल्स है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ कस्टम करना है अपने तरीके से तो न्यू रूल सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही बात है, न्यू रूल सेलेक्ट किया अगर तो यहाँ देखना क्या दिया हुआ है। फॉर्मेट ओनली, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फर्स्ट वाला। इसमें क्या होगा बेसिकली, हमें अगर ये टू स्केल हटाते हैं, अच्छा टू कलर स्केल, बेसिकली क्या होगा ना, लोअर मिनिमम वैल्यूज रेड हो जाएंगे और हाईएस्ट वैल्यूज लाइट होते जाएंगे। तो क्या होगा ना, ये पूरा कॉलम ही हाईलाइट हो जाएगा। जो सबसे लोएस्ट होंगे वो रेड में रहेगा, जो सबसे हाईएस्ट होंगे वो येलो में होते जाएगा। पूरा इसको ट्राई कर लो, ये यूज़ नहीं आएगा कहीं, बट स्टिल वैल्यू में परसेंटेज डालते हैं। सपोज 5% वैल्यूज, लोअर 5% वैल्यूज रेड होना चाहिए एकदम, एंड अपर 5% वैल्यूज हंड्रेड परसेंट रहने दो। उससे देखना क्या हो गया, बहुत ही गंदा लग रही है समझने में। लोअर वैल्यू सारे क्या हो गए, एंड ये सारा लो इनकम में ही आ रहा है। मेरा फॉर्म सॉर्टेड है ऑलरेडी डेटा। हाँ, मैं सॉर्ट किया हुआ, इसीलिए लो इनकम में रेड आ रहा है। लोअर 5% वैल्यू सारे एकदम ब्राइट रेड है, उसके बाद वो डिक्रीज होते जा रहे हैं कलर्स। ठीक है, ये चीज़ मत यूज़ करना, ये बहुत कम यूज़ करते हैं, इसे हटा देंगे हम। हटाने के लिए मैनेज रूल्स, सिंपली सिलेक्ट किया डिलीट, नहीं चाहिए, एकदम बेकार लग रहा है। ये एक तरीका होता है। फिर तरीका क्या होता है, हमें करना क्या था, टॉप 10 राइट, तो टॉप बॉटम रूल्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर न्यू रूल में जाके ये वाला फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक सेल्स कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो दोनों में से। यहाँ पे से टॉप 10 सेल्स ऑटोमेटिकली 10 है बाय डिफॉल्ट, टॉप 10 सेल्स को मुझे सिलेक्ट करना है, कलर करना है। यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, फॉर्मेट करेंगे मैनेज रूल्स में जाओ, वहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट। तो अब मुझे इसका फिल चाहिए, सपोज येलो। अच्छा ये इंटरनेट यूजर सेलेक्ट किया क्या, टॉप 10 मतलब एकदम रेड होना चाहिए। तो देखो टॉप 10 सेल्स रेड से हाईलाइट हो जाएंगे, क्लियर। ये एक तरीका हो गया। और क्या क्या है यहाँ पे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, मतलब देखो सपोज ग्रेटर देन 10 मुझे चाहिए, या जब मार्क्स कर रहे थे तो ग्रेटर देन 90 जितने भी है मार्क्स उनको हाईलाइट करने हैं, लेस देन 5 जितने भी है, लेस देन 40 जितने भी है उनको हाईलाइट करने हैं, 100 जहाँ जहाँ है उसको हाईलाइट करने, तो इक्वल टू यूज़ करेंगे। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स मतलब, टेक्स्ट दैट कंटेन्स मतलब सपोज या ये हाई इनकम, जो इनकम वाला कैटेगरी है, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं सेल्स को हाईलाइट करना है जहाँ पे हाई वर्ड आए। तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स में यहाँ पे हाई प्रेस, हाई टाइप करेंगे तो जहाँ पे भी हाई मेंशन रहेगा वर्ड, वो वाले सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे, इसका ये मतलब है। उसके बाद और क्या हो गया, अ डेट अकरिंग, वही सेम चीज़, जो एक पर्टिकुलर डेट जहाँ पे आ रहे हैं वो मुझे हाईलाइट करने हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्या हो गए, डुप्लीकेट वैल्यूज़ में देखो जहाँ पे भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट है, एक से ज़्यादा सपोज रिपीटिंग है, तो वो वाले सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर यूनिक वैल्यूज़, जहाँ जहाँ पे भी सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ है वो सब, ये जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग है ना, ये डिपेंड करता है मेरे डेटा पे। अभी जो मेरे पास डेमोग्राफिक डेटा है उसके अकॉर्डिंग इसका कोई यूज़ है नहीं, ये सब डिपेंड करेगा जो जहाँ पे जैसा यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ का डुप्लीकेट वैल्यूज़, यूनिक वैल्यूज़, इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो ये यूज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली और क्या होता है, डेटा बार्स, टॉप बॉटम रूल्स हमने देखा, टॉप 10%, टॉप 10 वैल्यूज़ इसको एडिट कर सकते हो, 10 की जगह पे लेस कर सकते हो, टॉप 5 वैल्यूज़, टॉप 6 वैल्यूज़ वैसे करके, या फिर
टॉप 10% में हम लोग यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, टॉप 5% वैल्यूज़ को मुझे एडिट करने हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। डेटा बार्स कलर स्केल्स, डेटा बार्स बेसिकली क्या होते हैं देख लो तुम लोग क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत कम ही यूज़ होते हैं इसमें, डेटा में देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना एक बार, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ट्राई करते हैं डेटा बार्स यूज़ करने का। जैसे हम लोग ग्राफ वो बनाते थे ना हिस्टोग्राम, वैसा बनते हैं ये। तो देखो जैसा जैसा मुझे कलर चाहिए जो पसंद है, तो बेसिकली क्या हुआ 90 सबसे हाईएस्ट था ना, तो उसका बार सबसे हाईएस्ट आया, फिर 89, फिर 85, ऐसे करके सो ऑन डेटा बार्स बन जाएंगे। यही चीज़ अगर हम लोग वो बर्थ रेट्स में करते हैं तो कितना सारा आ जाता डेटा बार्स, कोई यूज़ नहीं है उसको इंटरप्रेट करना, कितना यहाँ पे कम डेटा यहाँ पे इंटरप्रेट कर पा रहे हो। तो ये डेटा बार्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंटरप्रेट करना बड़े डेटा के लिए। उसके बाद कलर स्केल्स भी सेम चीज़ हो गया जो हमने देखा था अभी, रेड वॉज फॉर द लोएस्ट, ग्रीन येलो वॉज फॉर द हाईएस्ट, तो अकॉर्डिंगली पूरा डेटा मेरा कलर हो जाता है। ठीक है, आइकन सेट्स भी सेम हो गए, यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं इंग्लिश पे। डिफरेंट आइकन्स है, देखो इस वाले आइकन का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ ग्रीन आ रहे हैं वो एकदम हाईएस्ट वैल्यूज़ है, जहाँ रेड आ रहे हैं वो लोएस्ट है, सपोज लोअर 5% वैल्यूज़ है, फिर येलो अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम न्यू रूल में समझ सकते हैं जाके, यहाँ पे हमने आइकन सेट सिलेक्ट किया, तीन आइकन्स है। ग्रीन का सपोज मुझे मतलब दिखाना है कि इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 है, परसेंटेज हटाते हैं नंबर रखते हैं, जहाँ जहाँ पे भी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 है वो सारे जगह पे ग्रीन आएगा। येलो के लिए जहाँ पे भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये 90 क्या था ना, मैंने ये कर देते हैं इसे 50, तो 50 और 90 के बीच, वेन द वैल्यू इज़ लेस दैन 90 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, तो वो येल्लो आ जाएगा, एंड बाकी सारे वैल्यूज़ जो जो लेस दैन 50 होंगे वो सारे। अच्छा इतना मार्क्स कम किसी का आया ही नहीं, तो इसे चेंज कर देते हैं, 40 कर देते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट वेज है बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जितना ज़्यादा रूल बनाते जाओगे, एवरेज वाला, डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला, सारे वैल्यूज़ जो एवरेज से ऊपर है उनको कलर करना, एवरेज से कम है उनको कलर करना, बहुत सिंपल है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा। ठीक है, एकदम सिंपल, ट्राई करना घर पे। मेरे जो क्वेश्चन, अच्छा देख लो तुम लोग, फिर तुम भूल जाओगे वापस। सेकेंड वाला शीट अभी कर सकते हो, हाँ सेकेंड वाला शीट कर सकते हो, थर्ड वाला शीट नहीं, थर्ड वाला शीट अभी नहीं करेंगे, सेकेंड वाले शीट को अच्छे से करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे का करेंगे, पक्का से सब करके आना तभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आया कंडीशन फॉर्मेटिंग, सॉर्ट एंड फिल्टर, और क्या किए उसके पहले, क्या किए थे, डेटा वैलिडेशन, इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स मैच मैच, ये दोनों चीज़ ट्राई करना। जो रेप नेम्स आज निकाले हम लोग कॉलम बना के, आज उसे जाके इंडेक्स मैच मैच से ट्राई करना, आना चाहिए, अगर आ गया तो मतलब तुम लोग समझ चुके हो सब कुछ। क्लियर?